विस्तृत खबर को आसीबा देशरे दिन करे 52972 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती एथि सह कोरोना पॉजिटिव संख्या 18,03,696 कु वृद्धि पाइछि सेपर दिन क भितरे प्राण हराइछंती 771 कोरोना रोगी वर्तमान देशरे कोरोना मृत्यु संख्या 38,135 कु वृद्धि पाइछि एबे 5,79,357 चिकित्साधीन थिबा बेले 11,86,203 जण सुस्थ होइ घर को फेरिछंती देशर दिनक 52972 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइथिया बेले दिनक भितरे प्राण हराइछंती 771 कोरोना रोगी वर्तमान देशरे कोरोना मृत्यु संख्या 38,135 को वृद्धि पाइछि एबे 5,79,357 चिकित्साधीन अछंती एवं 11,86,203 जण सुस्थ होइ घर को फेरिछंती दिनक दिन बढ़ी चली वर्तमान कोरोना संक्रमितों संख्या एवं चिंता बढ़ाई कोरोना संक्रमितों संख्या सीधासख आलोचना करवा जीवा कोरोना वाल को से प्रतिनिधि निहारकांत पंडा निहार वर्तमान कौन केमती रही कोरोनार स्थिति देश में निहाती भावे लगातार भावे 50,000 प्लस पॉजिटिव चिन्हट होती गत किछि दिन धरिकी किंतु जदि अन्य पटे देखिबा जेतेबेले 57,000 क्रॉस करि सारिथिला दिन करे पॉजिटिव चिन्हट संख्या सेही तुलना रे कमीछि ते पाखापाखी 53,000 पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति आमे कोरोना वाल ता उपरे नजर पकेबा से फिगर गुडीक उपरे जे देखंतु गत 24 घंटार रिपोर्ट कहूछि जे केवल देशरे 18,00,000 पार करिछि पॉजिटिव संख्या आउ 52,972 चिन्हट होती जदि अंपटे देखा 24 घंटे जो मृत्युर रिपोर्ट आ 771 जन प्राण हर आउट लैंडमार्क क्रॉस कर 38,000 देश में एपर्यंत कोरोना प्राण हर किंतु आम जदि अंपटे देखा सुस्थ हार देखूँ जोटा जुलाई फर्स्ट विक्रे पखापाखि 63% थिला एबे सेटा जाई कि 65.8 पखापाखि 66% पाखु गला आ गोटे आश्वस्तिर विषय है जे मोर्टालिटी रेट मृत्यु हार जोटा कि 2.34 रही आसाला से धीरे धीरे कमुची 2.1% मृत्यु हार रही गत 24 घंटार रिपोर्ट अनुसार 40,574 जन आरोग्य लाभ कर सुस्थ होती एवं देश में 18,00,000 पॉजिटिव चिन्हट होता बेल पखापाखि 12,00,000 लोक 11,86,000 लोक एवं सुस्थ हो सारे एबे जदि आमे राज्य गुड़िक कथा मन उपरे नजर पकेबा जे को राज्य गुड़िक रो ए जो संख्या आसुची कोठ बेसिकली सेटा अधिक चिन्हट होती है आपण से स्पष्ट भाव देखिपर जे जदिओ गत दी तीन दिन है सामान्य कमी पर दिन कथा जी कह 10,000 प्लस थिला महाराष्ट्र में जोटा कि 9,500 को आईभली आंध्र जोटा कि नुआ चिंता से देश सृष्टि कर 10,000 प्लस रोला पर दिन कथा जी देखिए सैटा नंबर वन थी सबुठ अधिक संक्रमित से 9,000 तल को खसी तमिलनाडु लगातार भावे 5,000 प्लस गत देढ़ सप्ताह है 5,000 प्लस पॉजिटिव चिन्हट हो जो 2,50,000 क्रॉस कला पॉजिटिव संख्या किंतु से ही हिसाब से जब देखा जे दिल्ली कथा दिल्ली में हजारे तल को खसी 24 घंटे जो पॉजिटिव चिन्हट कथा यहाँ निहाती भावे आश्वस्तिर कथा कारण कहला जुलाई एंड सुधा दिल्ली में 5,00,000 क्रॉस कर पॉजिटिव जोटि कि एवं मात्र 10,000 एक्टिव अच्छा 1,37,000 पॉजिटिव चिन्हट होती किंतु जमी एवं दुईटा नुआ क्राइसिस स्टेट हिसाब से आंध्र प्रदेश आउ कर्णाटक को नि कर्णाटक लगातार भाव 5,000 प्लस पॉजिटिव चिन्हट होती तो मोटामोटी भाव कहि जमी महाराष्ट्र तमिलनाडु चिंतार कारण साजिद किंतु आंध्र प्रदेश और कर्णाटक नुआ क्राइसिस स्टेट जोटि कि पॉजिटिव संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाउची लगातार भाव वृद्धि पाउची यार ही उपरे केन्द्र सरकार का फोकस रही राज्य सरकार गुड़िकापर ध्यान दौरान बिल्कुल वर्तमान फोकस रहुचि एवं सही हिसाब से चिंता जेहेतु बढ़ी गोटे पटे पॉजिटिव संख्या बढ़ी बढ़ी चलती देश में दिनक 52,972 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती कि टी आश्वस्तिर कथा जे वर्तमान सुस्थ होगा संख्या धीरे धीरे बढ़ी चलती और से परसेंटेज बढ़ी बढ़ी चलती धन्यवाद निहारकांत सविशेष आलोचना सेपटे एक बड़ खबर आसी पहुंची ब्रह्मपुर बालसुधार गृह में 45 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती बालसुधार गृह में अच्छा 72 जन अंतेवासी समस्त अंतेवासी और कर्मचारी स्वाब टेस्ट होने कि जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी सूचना देखते बालसुधार गृह ब्रह्मपुर बालसुधार गृह
45 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती बालसुधार गृह में वर्तमान 72 जन अंतेवासी अच्छा से 45 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती समस्त अंतेवासी और कर्मचारी स्वाब टेस्ट होने सूचना मिली जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी एने की अधिक आलोचना पर फोन लाइन अच्छे ब्रह्मपुर प्रतिनिधि कैलाश बेहरा कैलाश चिंताजनक विषय बालसुधार गृह वर्तमान कोरोना आक्रांत चिन्हट होती परवर्ती पदक्षेप कौन नि नेता बंदिया जहां कि बर्तमान सूचना मिली से बाल सुधा गृह से जमान थे पाखापाखि 72 जनकर जहां कि लक्षण थी विभिन्न थंडा काश ज्वर भली विभिन्न करोना लक्षण थी जहाँफल से 72 जनकर टेस्ट कराइला जहाँफल 45 जनकर पॉजिट भारतीय जहां कि सूचना मिली जिला प्रशासन तथा शिशु सुरक्षा विभाग पक्षर अं जो लोक मैंने अच्छा जो बाल सुधा गृह से जो मैंने अंतवासी अच्छा से स्वाब टेस्ट सूचना मिलू तेज गत पांच जनकर आउ कि लक्षण बाहर थे तेज गत पांच जनकर जहां कि स्वाब टेस्ट कराकि आज अथवा कालीर पांच जन रिपोर्ट आसो तेज बार सुधा गृह से पाखापाखि 100 अधिक लोक जो अंतवासी रही सहित से देखारेखा निम्ते कि जो मैंने रही सुरक्षा व्यवस्था निम्ते कि कर्मचारी नियोजित नियोजित अच्छा तेज 45 जन पजिट बाहर पर सेठे गोटे चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि होती जेहेतु गोटे सराउंडिंग मध्य पाखापाखि 100 रु अधिक उभय अंतवासी जो कर्मचारी रही स्वाब टेस्ट हो जिला प्रशासन और शिशु सुरक्षा विभाग पक्षर निष्पत्ति तेज आसंता काल अथवा जहां कि रही बालसुधा गृह जी रही सुपरटेडेंट रही जिला प्रशासन को एक लिखित आकार में चिठी जनाई समस्त कर्मचारी और जो अंतवासी जो मानकर लक्षण था कि अन्यत न था समस्त स्वाब टेस्ट निम्ते अनुमति मिलू से चिठी जगह सूचना देखा तो वर्तमान से सब स्थान बालसुधार गृह सानिटाइजेशन प्रक्रिया आरंभ हो ना ना हाँ देखो निश्चित भाव बंदिता जो 45 जन पॉजिटिव गोटे थर चिन्हट होती जहाँफल चिंताजनक विषय होती से भाव बीएमसी पक्षर अनुरोध करसुदा गृह को सानिटाइजर कर सहित जो पॉजिटिव जेहतु चिन्हट होती से सुरक्षा व्यवस्था निम्ते सहित से स्थानांतर करने निम्ते पदक्षेप निजी कहुत 45 जन पॉजिटिव चिन्हट होगा पर जो अंतवासी रही कर्मचारी रही ठीक भाव देखा रखा करने निम्ते भितर को डाक्तर निजुक्ति देवा निम्ते अनुरोध करसुधा गृह जो रही सुपरटेडेंट पक्षर कारण जेहतु बालसुधा गृह से जेहतु अंतवासी अच्छा जेहतु विभिन्न केस्रे जड़ित रोन तेणुक से बाहर को बाहरी मेडिकल तथा डाक्तखाना को ना संभव नुहे तेणुक यथाशीघ्र सेठार जे डाक्तर को नियोजित करूँ जहाँफल बालसुधा गृह जो रही अंतवासी होवा कर्मचारी स्वास्थ्यवस्था ठीक रही पार से स्वास्थ्यवस्था बर्तमान कि रही से तदारख कर जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी निज सूचना 45 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होगा समस्त अंतवासी और कर्मचारी स्वाब टेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद कैलास विशेष आलोचना। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड द्वितीय एवं तृतीय पर्याय परीक्षण पर अनुमति द्वितीय एवं तृतीय पर्याय मानव परीक्षण को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई अनुमति देती। ऑक्सफोर्ड टीकार परीक्षण पर सेरम इंस्टीट्यूट को अनुमति दि जाएगी। ऑक्सफोर्ड टीकार विकास हाथ मिलाई पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट यार सीईओ अदर पुनवाला कही मार्च सुधा टीका बजार को आसो और डिसेंबर सुधा कोरोना योद्धा को वैक्सीन दिजा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अदर पुनावाला वैक्सीन संपर्क में कथा होते टीका विकसित होगा पर ओडिशा को शीघ्र देवा अनुरोध करते नवीन अधिक आलोचना करिबा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अच्छा हम सहित सुनील कोटा डॉक्टर कोटा आपको स्वागत करोड़िया को प्रथम कोवैक्सीन टेस्ट करागला एवं वर्तमान कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड परीक्षण पर अनुमति मिल सारी केमी कौन देखुं यार परीक्षा कलापर कौन आम आशा कर निश्चय रूपे आशावादी तो हाँ जो स्टेटमेंट भी रोच फेज वन सरी फेज टू और थ्री जो ट्रायल्स हम रिजल्टा से भावुं नवेम्बर शेष सुधा जो हस्तगत हो डिसेम्बर शेष सुधा वैक्सीन रिलीज हो पारि से कहते हैं 2021 प्रथम त्रयमासिक गोटे वाइड स्केल रे वैक्सीन टा निश्चय रूपे सप्लाई करें कारण जो किसी फेज रोचे तार आमको रेजल्ट देखा पड़े जदि आम वेस्टर्न लिटरेचर भल
ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ଆମର ଟି ସେଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବଡି, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ଆମକୁ ଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେଇ ଦୁଇଟି ରେସ୍ପନ୍ସ ତ ଭଲ ଆସିଛି ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ରହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅନୁରୂପ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟଟା ମିଳିବ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ରୋଗ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସର୍ତ୍ତ ରହିବ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଫେଜ୍ 2 ହଉଛି ଆମର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ରାଏଲ, ଫେଜ୍ 3 ହଉଛି ଯୋଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ଯୋଉ ପ୍ରାୟ କିଛି 10,000-20,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆମର ସେଫ୍ଟି ଡେଟା ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇ ସେମାନେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଫେଜ୍ 2ରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛିଟା ଯୋଉ ଆମର କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସିକ୍ନେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜେସ୍ ଯୋଉ ଆମର ବୟସ ରହୁଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ତ କିଛିଟା ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଫେଜ୍ 2ରେ ସେହି ବାଧାଟି ବିଘ୍ନଟା ବି ଯଦି ଆମେ ଅତିକ୍ରମଣ କରୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମେ ଫେଜ୍ 3 ବି ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଆମେରିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, UKରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁନିଫର୍ମ ରେଜଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ରହିବି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫେଜ୍ 3କୁ ଆଗେଇବ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସଫଳ ହେବା। ଏବଂ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ହୁଏତ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି କିଛିଟା ଆଶା ମିଳିଯାଇପାରେ, ସେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୋଭିସିଲ୍ଡ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର କୋଟା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ବୁଲେଟିନ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଖବର, ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ନେଇଯିବା ଏକ ବିରତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର, ସକାଳ 5ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ। ଏହି ନିୟମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର, ସକାଳ 5ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ। ଏହି ନିୟମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏ ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ। ସନ୍ତୋଷ, ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତା, ଯଦି ଦେଖିବା ସଂକ୍ରମଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ରାତ୍ରି ବର୍ତ୍ତେ 12 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସକାଳ 5ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ, କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଇ। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବନ୍ଧୁତା, ବିଲକୁଲ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ 16 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା, ସେଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଅଛି କି ଯେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପ କରିବେ ନିୟମ ସେୟା ରହିବ, କଟକଣା ସେୟା ରହିବ, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ କରାଯିବାର ଅଛି? ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ COVID-19 ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଏ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବ ଏବଂ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ଯେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ନ ହବ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ନ ବଢିବ। ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର, ଏବଂ ଏହି ନିୟମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଏହି ନିୟମ ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
सारा राज्य में लागू होइछ अनलॉक 3 सकाळ 5टा रु राति 9टा जाय खोलिबो दुकान बाजार तबे राति 9टा रु सकाळ 5टा जाय बलबत्तर रहिबो रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रिकालीन कर्फ्यू बळे जरूरी सेवा जगाउथिबा कर्मचारी को यातायात अनुमति मिलिबो विमान बंदर एवं स्टेशन को यात्रीबाही गाड़ी चलाचल करि पारिबो जातीय राजपथ कटरे थिबा ढाबा खोला रहिबो किंतु सेठारे बसी खाइबा को बारण करा जाइछि कोरोना द्वारा सर्वाधिक प्रभावित 4 जिल्ला गंजाम गजपति खोर्धा कटक एवं राउरकेला म्युनिसिपालिटी रे शनिवार और रविवार सप्ताहांत सटडाउन नियम जारी रहिबो पहिला ठारु राज्य रे अनलॉक 3 कार्यकारी होइथिले मध्य कोरोना प्रवण 4 जिल्ला गंजाम गजपति खोर्धा कटक एवं राउरकेला म्युनिसिपालिटी रे शनिवार एवं रविवार सटडाउन थिबारु केवल दिन गोटाय जाय दुकान खोलिथिला तेबे आजि ठारु एहि सब स्थान रे सकाळ 5 रु राति 9टा जाय दुकान खोलिबो सप्ताहर शेष 2 दिन पूर्व भळि सटडाउन नियम एठारे बलबत्तर रहिबो बाकी सब जिल्ला रे सप्ताहर 7 दिन 16 घंटा दुकान बाजार खोला रहिबो दुकानी माने सामाजिक दूरता रक्षा करबा सह मास्क पिंधिबे बिना मास्क रे कोनोसी ग्राहकंकु छडा जिवो नाही दुकान रे सामाजिक दूरता न रखिले सील करा जिवो दुकानकु प्रथम थर खिलाफ कले सप्ताहे सील करा जिवो एवं 10,000 दंड व्यवस्था करा जाइछि आ परे खिलाफ कले दंड सह मासे सील हेबो दुकान राखी पूर्णिमा रे भिड़ नियंत्रण करबा पई नयागढ़ जिला प्रशासन पक्षरु 24 घंटिया शटडाउन जारी करा जाइछि जिल्ला रे कोरोना संक्रमण को रोकिबा पई जिल्लापाल निज क्षमता प्रयोग करी 24 घंटिया शटडाउन घोषणा करिछंती जिल्ला रे 8टी ब्लॉक अंचल रे लोकल पॉजिटिव केस वृद्धि पाउथिबारु एको आख्यागर रखी अगस्त मास पई नुवा गाइडलाइन जारी करा जाइछि पूर्व भली अगस्त मास रे मध्य साप्ताहिक शटडाउन को कडाकडी करा जाइछि कर्नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती ट्वीट कर एने सूचना देखते कर्नाटक मुख्यमंत्री डाक्तरों परामर्श क्रमे मणिपाल हस्पिटाल भर्ती कर 77 वर्षीय मुख्यमंत्री येदुरप्पा संस्पर्श से आसीथिबा व्यक्ति को संगरोधरे रहिबा परामर्श देखते येदुरप्पा झील पद्मावती भी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती तेज पुओ विजेन्द्र रिपोर्ट नेगेटिव आ बड़ खबर आसी राज्य में आज 1384 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोध केन्द्र अच्छा 873 जन लोकल केस अच्छी 511 गंजामु सर्वाधिक कोरोना आक्रांत आज चिन्हट होती 331 से खोर्धु 211 संबलपुरु 93 कोरापुटु 97 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले राज्य में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 36,297 पहुंची सारी पुणि थे कही रखु राज्य में आज 1384 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोध केन्द्र 873 लोकल केस अच्छी 511 गंजामु सर्वाधिक 331 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले खोर्धु अच्छा 211 जन कोरोना आक्रांत संबलपुरु 93 कोरापुटु 97 आक्रांत चिन्हट होती राज्य में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 36,297 पहुंची सारी बारंबार बढ़ी चली कोरोना आक्रांतों संख्या एवं आज राज्य में आज 1384 नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोध केन्द्र अच्छा 873 और लोकल कंटाक्ट 511 अच्छी लोकल केस स्थानीय संक्रमण वर्तमान प्रशासनिक स्तर में मुंडबिंधार कारण पलटुच्छ दिनकू दिन यह संख्या कमार ना ने जो संख्या पूर्व गोटे कि दुई अंक सीमित रहा वर्तमान से संख्या तीन अंक रु अधिक रहुची जेतेबेले की लोकल कंटाक्ट आज चिन्हट होती 511 एवं वर्तमान जो 1384 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सेथिरु अछंति गंजामु सर्वाधिक 331 आक्रांत एने की अधिक आलोचना करबा ब्रह्मपुर प्रतिनिधि कैलाश बेहरा अछंति हम सहित फोन लाइन ने कैलाश पुणी थरे गंजामु सर्वाधिक कोरोना आक्रांत चिन्हट होले सेमानक विषय रे किछ तथ्य आसिलेनि पॉजिटिव संख्या 331 नुआ चिन्ह रही विषय बर्तमान पर्यटन जिला प्रशासन पक्ष कौन प्रकार स्पष्ट सूचना मिली ना से कई जन अच्छा कोविड योद्धा कई जन अच्छा स्थानीय बासी तथा जो पॉजिटिव संख्या बढ़ुची किंतु जिला प्रशासन अपरपक्ष कहते जेहतु बर्तमान धीरे धीरे पॉजिटिव संख्या कमुची और पूर्व अपेक्षा बर्तमान नियंत्रण को आसी कितु तथा देखा गल राज्य जिते अन्य जिला अपेक्षा गंजाम जिला सर्वाधिक रोचे आरंभ थारु बर्तमान पर्यंत प्रत्येक समय पॉजिटिव संख्या गंजाम जिले सर्वाधिक रोचे बर्तमान 11,000 पार कर
पॉजिटिव संख्या मु आशा रखा दियो जे जे भली अब जिला प्रशासन पक्षरु नुआ नुआ पदक्षेप निया जाउछि ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्षरु मध्ये नुआ नुआ पदक्षेप निया जाउछि जहाँ फलरे एहि संख्या जो रहिछि संख्या कर्त कमिब किंतु अन्य पट जेहेतु पॉजिटिव संख्या 11000 पार करछि सेपट मध्ये कठोर होइछि जिला प्रशासन जहाँकि लोकमानक निमन्ते सामाजिक दूरता खातु अथवा मास्क पिंधे बाध्यतामूलक कराइछि जो मैंने এই দুইটি নিয়মক এবং করোনা কটকণাকে যেমন উল্লঙ্ঘন করবে সেমানক বিরুদ্ধে মধ্যে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যাব বলে যাকে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ পক্ষের মধ্যে কোয়া যাচ্ছে এবং এখানে কড়াকড়ি ভাবে মধ্যে পালন করবেন মধ্যে মধ্যে লোকমানক নির্দেশ দিয়ে যাইছে এবং এর সহিত কিছু অফিসার মুখ মধ্যে মোতায়েন করা হয়েছে বিল্কুল বর্তমান নির্দেশ রয়েছে লোকমানক কড়াকড়ি ভাবে নিয়মর অনুপালন পাই ধন্যবাদ কৈলাস বিশেষ আলোচনা পাই अधिक आलोचना फोन लाइन अच्छा प्रतिनिधि अजेश मल्लिक अजेश वर्तमान पॉजिटिव संख्या पहुंची सारा 36,297 नुआ 1384 पॉजिटिव चिन्ह होती निश्चित भाव देखो आज यदि कह आज आपंति कहते कि 1384 जन नुआ पॉजिटिव केस चिन्ह होती जो रही क्वारंटाइन सेंटर 873 जन रही स्थानीय संक्रमित संख्या रही 511 सबुठ बड़ा कथा हूँ गंजाम जिला जो कह 15 दिन हम लास्ट 15 दिन हम लगातार भाव कि मस कथा जब कह लगातार भाव गंजाम जिला ही सर्वाधिक से बाहर किंतु जो अपेक्षाकृत कह 10 दिन तुलन में जब कह लास्ट 3 दिन कि 4 दिन हम जी टेस्ट होता तुलना कम आसा गोटे आश्वस्तिकर खबर कहुपर या बाद जब कह खोर्धा तौक जो खोर्धा रोते से खोर्धा मैं आज द्वितीय पोजिशन जो भी रही प्राय 211 रही जब गंजाम रही 331 आपंकर खोर्धार रही 221 किंतु देखो या बाद आउ जो जिला गुड़ जो किसी दिन हम ये सप्ताह कि देर सप्ताह हम प्राय देखा गजपति हूँ रायगढ़ कोरापुट मलकानगि ढेकाना आदि जिले में क्रमगत भाव बढ़िवार लगी कारण देखो जब भाव चार जिले में संख्या बर्तमान बढ़ी बढ़ी चली लॉकडाउन सटडाउन कटका सत्य आक्रांत संख्या बढ़िया चिंता विषय निश्चित भाव में राज्य में 1384 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती धन्यवाद अजय सविशेष आलोचना समय सारी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।